तो टूडेज़ लेक्चर हमें पढ़ना है एंगल ऑफ रिपोज़ क्या होता है एंगल ऑफ़ रिपोज़ देखो इस डायग्राम में तुम देख पा रहे हो किसी इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है रफ इंक्लाइन सरफेस है वहाँ पे हमने एम ब्लॉक रखा है और अगर इस थीटा एंगल से थोड़ा बड़ा एंगल हम बना देते हैं मतलब इस इंक्लिनेशन को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ये ब्लॉक है ना ब्लॉक नीचे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा अगर इस एंगल से थोड़ा कम एंगल रखते हो तो ये रेस्ट में रहेगा और यहाँ पे भी लाते हो ये जो ड्रॉ किया है यहाँ पे तो बॉडी भी रेस्ट में रहेगी लेकिन वो थोड़ा अबाउट टू मूव चलने की कोशिश करेगी तो जो मूवमेंट पे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव या चलने की कोशिश करेगी फिर भी रेस्ट में है वो वाला एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ रिपोज से अगर कोई एंगल बढ़ा देते हैं मान लो कि एंगल ऑफ रिपोज थर्टी डिग्री है और मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा थर्टी वन डिग्री तो बॉडी नीचे स्लाइड हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिपोज से क्या पता चल जाता है एंगल ऑफ रिपोज से पता चल जाता है कि ये बॉडी का स्लाइड कितने एंगल पे होगा और इसके फॉर्मूला से हमें फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू मिल जाती है सो so, डिटेल में देखो पहला पॉइंट स्टेप बाय स्टेप नाउ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी स्टेज एट रेस्ट सो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहाँ तक मैक्सिमम ये बॉडी रेस्ट में रह सकती है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज नहीं तो दूसरी भी लैंग्वेज है यहाँ पे दूसरी भी डेफिनेशन है एंगल एट विच ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड मतलब वही एंगल पे वो रेस्ट पे भी है और निकलने की कोशिश भी कर रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज अच्छा इसका कोई फॉर्मूला निकालते हैं तो हमने देखा इसकी एफ निकाली जाए एम नीचे लगेगा पिंक कलर के पेन से लिखा है ये एंगल थीटा है एंगल ऑफ इंक्लेशन सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा ये एम जी कॉस थीटा हो गया नीचे हो गया ये एम जी साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस और ये यहाँ पे जो रफ सर्फेस है दिस रफ सर्फेस के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन अपोजिंग टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक तो ब्लॉक का रिलेटिव मोशन आगे हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा ठीक है सो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और थोड़ा भी एंगल हम बढ़ा देंगे तो इसकी स्लाइड हो जाएगी ठीक है तो so, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर खेल रहे हैं अच्छा तो अभी बॉडी रेस्ट पे ही है तो इक्वेशन बना दिया हमने एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस् थीटा और एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा एफ हमें पता है क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको म्यू इंटू एन तो इस एफ को लिखा मैंने म्यू इंटू एन और ये पहले इक्वेशन से एन की वैल्यू हमने उठा ली यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी दैट इज एम जी कॉस् थीटा मैंने सॉल्व किया एम जी एम जी चला जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज म्यू टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू यहाँ से मुझे एंगल ऑफ रिपोज मिल गया तो एक रिलेशन बन गया यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया तो कोई पूछेगा कि क्या फॉर्मूला मिला तो उनको कहना कि हमें फॉर्मूला मिला रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोइफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा दिस विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ठीक है काइनेटिक नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा अच्छा मतलब अगर तुम्हें एंगल ऑफ रिपोर्ज पता है मतलब वो सरफेस का तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी पता है या उल्टा भी कह सकते उसका अगर तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पता है तो तो उसका मैक्सिमम इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ रिपोज तुम्हें पता हो जाएगा ठीक है तो एक टेबल मैंने ड्रॉ किया सामने यहाँ पर मैंने तीन केसेस लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा अगर वो थीटा आर से छोटा है तो बॉडी की कोई स्लाइडिंग नहीं होगी बॉडी रेस्ट में रहेगी और जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ठीक है अगर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर कर देता हूँ तो बॉडी विल जस्ट अबाउट टू स्लाइड और वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो सबसे ताकतवर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ म्यू एस इन टू एन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ठीक है और उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे स्टैटिक नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो स्लाइडिंग होगी क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज के बाहर ये जो है ये फ्रिक्शन फोर्स कमजोर हो जाएगा एंड द बॉडी विल स्लाइड डाउनवर्ड तो वो जो फ्रिक्शन रहेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा और उसको कहेंगे उसका फॉर्मूला एफ के म्यू के इन टू एन ठीक है थीटाज एंगल ऑफ रिपोज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ एंगल ऑफ रिपोज इज फोर्टी फाइव डिग्री फाइंड वेदर बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन कैलकुलेट फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो अच्छी बात है तो यहाँ पे डायग्राम दी है थर्टी डिग्री एंगल ये गिवन है एंगल ऑफ रिपोर्ट बोल रहे हैं फोर्टी फाइव डिग्री है तो जाहिर सी बात है गिवन एंगल दैट इज थर्टी डिग्री इज लेस देन फोर्टी फाइव डिग्री तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी नो no स्लाइडिंग भी लॉककर सो नो स्लाइडिंग मतलब रेस्ट पे है बॉडी ठीक है पहली बात तो श्योर है तो एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा बेटा फिर बात कर लेते कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा तो हमने इसकी एफ निकाली पिंक कलर से एम जी theta थीटा इधर एम जी साइन थीटा इधर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एंड फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक पीछे की तरफ ठीक है और हम यहाँ पे अभी निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो यहाँ से एक इक्वेशन देखो ये एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ लिख दिया हमने एम जी साइं थीटा इज इक्वल टू एफ ठीक है और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा एन इज इक्वल टू एम जी थीटा अभी ये जो f इज इक्वल टू एम जी साइंथीटा है ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है क्या मतलब हुआ थोड़ा नंबर से समझने की कोशिश करो एम जी थीटा का नंबर कुछ आया समझ लो तीन न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पीछे तीन न्यूटन तभी तो ये बॉडी रेस्ट में हो पाएगी फिर हमने एक दूसरा इक्वेशन लिया एन इज इक्वल टू एम जी कॉस्थीटा और हमें फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला भी बताया एफ इज इक्वल टू म्यू एस इन टू एन इस एन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी फिर ये वाला फ्रिक्शन क्या है ये वाला बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट इज यहां से मुझे क्या मिल जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मतलब ये कुछ आएगी फाइव न्यूटन ऐसा समझ लो अप्लाइड फोर्स है तीन न्यूटन तो ये सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा थ्री न्यूटन मतलब ये थ्री न्यूटन वाला है ये फाइव न्यूटन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है और ये अप्लाइड अप्लाइड फोर्स है थ्री न्यूटन जस्ट टू अंडरस्टैंड ऐसा आंसर है नहीं है बस जस्ट टू अंडरस्टैंड बता रहा हो ठीक है चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे